तो आज मैं आपको उसी की रेसिपी बताती हूँ। उसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल लेने हैं जो कि एक्जॉटिक वेजिटेबल है, आप उसको इंग्लिश वेजिटेबल भी कहते हो, और वो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आजकल तो हर एक ग्रॉसरी शॉप में भी ये अवेलेबल रहते हैं, और आप वेंडर से भी ले सकते हो। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक एट होम सौते वेजिटेबल, जो कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है कि जो हमारा फैट बर्निंग में बहुत ही हेल्प करते हैं। और आजकल सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिसके लिए हमें अब कुछ सैलेड्स हैं और यहाँ तो कुछ बॉयल्ड वेजिटेबल्स हैं जो हमें हमारे रूटीन डाइट में ऐड करने चाहिए, और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे वेजिटेबल को ब्लांच करते हैं और फिर कैसे सौते करके हम हमारी डेली डाइट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल है जो मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि कैरेट्स हैं जो कि विटामिन ए में बहुत ही भरपूर होता है और आइज के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और बीन्स हैं जो कि ग्रीन है, और ब्रोकली, देन हमारे पास है जुकनी, हम उसको कुरजेत भी बोलते हैं, वो येलो और ग्रीन दोनों में अवेलेबल है। हमने यहाँ पे येलो लिया है। बेबी कॉर्न्स हैं जो भी वेरी सॉफ्ट होते हैं, और मशरूम्स हैं ना। ये सारे वेजिटेबल हमने ब्लांच करने हैं, बट पेपर्स हमने सिर्फ कट करके सौते करने हैं। ठीक है ना, ब्लांचिंग में ये है कि वेजिटेबल्स आपके पूरी तरह से कुक नहीं हुए होते हैं, थोड़े से हाफ डन होते हैं और थोड़े से क्रंची रहते हैं। उसके लिए हमने इसको कट करना है थोड़े से बड़ी साइज में, और फिर हम इसको ब्लांच करेंगे। लेट्स बिगिन हाउ टू ब्लांच अवर वेजिटेबल एंड हाउ टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल एंड हेल्दी सैलेड। टेबल स्पून ऑफ विनेगर, आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। आई विल जस्ट मिक्स इट। हमें तब तक मिक्स करना है, मतलब कि विस्क करना है, जब तक कि ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता। यू कैन सी ये थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है। सॉल्ट, पेपर, ओरिगैनो, इसको थोड़ा सा विस्क करेंगे। लेट्स बिगिन ब्लांचिंग आवर वेजिटेबल्स। हमने एक पॉट में वाटर लिया है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग आएगा। इसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ी 5 to 7 मिनट तक उसको ब्लांच होने देंगे। यू कैन सी हमारा बॉइलिंग आ चुका है, तो हम ऐड करते हैं। ब्लांचिंग के टाइम में हमें ध्यान रखना है, हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना विनेगर ऐड करना है, जिससे कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उसका कलर ब्राइट होगा, जो कि हेल्प करेगा उसको कलर को रिटेन करने में।
यू कैन सी, आप जब होटल्स वगैरह में जाते हो तो आपको जो वेजिटेबल्स मिलते हैं काफ़ी ब्राइट कलर के हैं होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने, आप देख सकते हो इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उसका कलर ब्राइट हो रहा है बिल्कुल, जस्ट बिकॉज ऑफ द विनेगर। आप इसकी जगह पे विनेगर नहीं है तो थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हो। अब इसको 5 to 7 मिनट तक बॉईल करने देंगे और क्रंची ही हमें वेजिटेबल्स को निकालना है।